टाइम टू से लास्ट प्रेयर्स। परिणीता मुझे माफ करना, तुम्हारा मेरा प्यार अधूरा रह गया, रह नहीं गया था, उसका हिमांशु शुरू हो गया था हमारा एक तरफा प्यार। वैसे भी देखो वो जो पिक्चर में कॉमेडी में किसी भी चीज में लोग बताते ना एक तरफा प्यार की ताकत, वो कुछ नहीं होती। एक तरफा प्यार एक सिंगल लौंडे की ठरक होता है, जो हराम ज्यादा उसमें ताकत लगाए उसकी जगह जेल है। वेरी सिंपल, डालो बैंक पकड़ के। तो मैं 17 साल का था तब मैं फैमिली के साथ गया हरिद्वार। हरिद्वार कौन कौन गया है? हर की पैड़ी, क्या बात है। तो हरिद्वार में तुमने देखा होगा बहुत बड़ा एक ब्रिज है 2-3 किलोमीटर का, जिसके ऊपर से लोकल लोग कूदते हैं गंगा जी में, नहीं सुसाइड नहीं, तैरते हैं। ये सीरियस हो गए तुम, लंगोटा पहन के लोकल लौंडे पतले पतले नाक बंद करके झप, पानी का बहाव इतना तेज, मुंबई में कूदे आदमी पुणे में जाके निकले, और ठंडक इतनी कि हाइपोथर्मिया हो जाए थोड़ी देर में। पर ये कूद रहे हैं, उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि एक गया आपके दोपहर को आएगा सुबह एक कूदा था, नहीं लगातार कूद रहे हैं, ऐसे ही कूद रहे थे। तो मैं गया, मुझे भी चुलबाजी, मैंने कूदते हुए देखा, मैंने कहा सुनो तुम्हारा दोस्त ना गलत तरीके से कूदा, हमारे स्विमिंग वाले सर ने बताया था ना हाथ यहाँ रखना और इसे कूदना है और बीच में जाके ना कभी ऐसे मत देखना। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और ऐसे देखा, मानो आंखों ही आंखों में कह रहा चल चूतिए, ये काम हम सुबह से लेके रात तक रोज करते हैं और आज तक फर्स्ट टाइम भी नहीं मरे। बोला दोस्त तुम्हें भी आजमाएंगे, बोल के चला गया। तो मैंने कहा ये तो गलत आदमी को सिखा दिया, ये मुझे लाइफ में बहुत बाद में समझ में आया। इसे सिखा के मैं आगे बढ़ा फैमिली के साथ, साइड में जो दो धार बहती है ना हर की पैड़ी पे जिधर आरती होती है, वो जो पतली धार है ना वो 33 फुट है, 33 फीट। अब मैं उधर जाके जंजीर पकड़ के फुल औकात में लोटे से हर हर गंगे करके नहा रहा हूँ फैमिली के साथ। ये वहाँ से आया, इसने किसी तरह साला कैसे कटके इधर आया देख लिया और वहीं से चिल्ला साला फटो। अब देखो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के समंदर से होगा हुआ आदमी ये कैसे बर्दाश्त करता, जान चली जाए कि चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं चढ़ गया ब्रिज के ऊपर, रेलिंग पे भी खड़ा हो गया। अब सामने मुझे दिख रहा है एक ब्रिज, बड़ा वाला जो ब्रिज है वो जुड़ रहा है किनारे तक, इधर छोटे ब्रिज से कूदे वहां से गंगा आगे जाके एक हो जाएगी बड़ी धार में। वहां एक चीज है, जंजीर लटकी हुई है लोहे की सांकल, कोई बहता हुआ जाए, नॉन स्विमर्स भी अगर जा रहे हो बहते हुए तो पकड़ लो उसको, उसको पकड़ लोगे तो अगर हाथ पैर, इसीलिए कहते हैं एथलेटिक्स में जाओ हाथ पैर मजबूत रखो, पकड़ पाओगे थोड़ी देर, फिर कोई आएगा तुम्हें बचाने के लिए तो उसे बंदरिया के बच्चे की तरह यूं लिपट जाना और वो किनारे तुम्हें ले आएगा, और अगर तुम्हारे हाथ पैर कमजोर हुए तो तुम्हारा एक छूटे का अंगूठा, फिर छूटे की उंगली, छूटे का ये, और ये बड़े अच्छे आदमी थे। हर हर गंगे वो जा रहे हैं, वो गए बाय। मुझे दिख रहा है तैर तो लूंगा लेकिन अगर बहा तो उम्मीद वो है, मैं उसको ऐसे नहीं पकड़ूंगा, मैं निपट जाऊंगा यूं करके। मैं खड़ा हुआ ब्रिज पे यूं, मैंने नीचे देखा, पहले आता था स्विमिंग पूल के अंदर, आज आ रहा ब्रिज के ऊपर। नीचे देखा, ये आया, मैंने एक बार तू कूद के दिखा, कूदा झप से साला 30 सेकंड में ऊपर आ गया वापस, कूद के तैर के निकल के 30 सेकंड में इधर।
मैंने ये कुछ ज्यादा जल्दी हो गया, एक बार और। फिर कूदा, फिर निकल के बाहर आ गया, मेरे पास आया, बोला साला फट्टू तुझसे ना हो पाएगा। मैंने कहा देख कर तो लूंगा, ये बता दे किनारे कैसे जाना है तैरते पानी में। तो उसने मुझे एक ऐसी चीज सिखाई, बोला देख इतने तेज पानी में ऐसे तो किसी का बाप भी किनारे नहीं जा सकता, ऐसे तिरछा जाना धीरे 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 और किनारे लग जाएगा। कहा ठीक है, टाइम टू से लास्ट प्रेयर्स। परिणीता मुझे माफ करना, तुम्हारा मेरा प्यार अधूरा रह गया, रह नहीं गया था, उसका हिमांशु शुरू हो गया था हमारा एक तरफा प्यार। वैसे भी देखो वो जो पिक्चर में कॉमेडी में किसी भी चीज में लोग बताते ना एक तरफा प्यार की ताकत, वो कुछ नहीं होती। एक तरफा प्यार एक सिंगल लौंडे की ठरक होता है, जो हराम ज्यादा उसमें ताकत लगाए उसकी जगह जेल है। वेरी सिंपल, डालो बैग पकड़ के। जिसको एक तरफा प्यार में बहुत ज्यादा ताकत लगानी हो, एक लैपटॉप रखें, बराबर में तौलिया रखें, थोड़ा सरसों का तेल, आपको नहीं पसंद तो नारियल का भी रख सकते हैं, और ज्यादा उसमें आनंद लेना हो ताकत में तो उसे थोड़ा सा गर्म कर। पर इस चुतियाब को प्यार ना कहें, कोई सा तरफा, तरफा क्या होता है, प्यार प्यार होता है, मैं एक या दो तरफा कुछ नहीं होता, नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, बट पूरी दुनिया की आबादी बिलियंस में, इस देश की आबादी 1.5 बिलियन होने वाली है, तुम चूतिया को एक ही है, कहीं और ढूंढो, आगे बढ़ो कुढ़े सरकार। ओके, टाइम टू से वन लास्ट फाइनल प्रेयर और मे बी अर्जी। गंगा मैया, माँ अपने बच्चे को मार पीट लेती है, मार नहीं डालती, आ रहा हूं मैं। ये बोल के मैंने मारी छलांग, पानी में टच हुआ, जितनी दूर हॉल का एंड है ना 2 सेकंड में उतनी दूर पहुंच गया। मैंने गर्दन निकाल कर पूरी ताकत किनारे ऐसे ऐसे करके हाथ लगा के तैरना शुरू किया। अभी तो इतनी तेज करके नहीं दिखा सकता, फिजियो चल रहा, कंधा जाम हो जाएगा यहीं। लोग कहीं बड़े बहादुर थे, अंत तक लड़े, संघर्ष करते रहे, एक हाथ से ट्राई कर रहे थे, पैर भी चल रहे थे, एक हाथ यूं ही अटक गया, मिडिल फिंगर के साथ दो पत्थरों के बीच में घुस के लाश अटकी रही, यूं नाचते रहे, पर ऐसा हुआ नहीं, मैं जिंदा बाहर आ गया। जैसी बाहर आया मैंने देखा माँ ने लास्ट मोमेंट पे कूदते हुए देख लिया, और वो ऐसे पड़ोस की औरतें पंखा चल रही, बहन जी आ गया, आके आपका बेटा आ गया। माँ ने कहा अरे मेरा लाल आ जा। माँ का लॉजिक ये है कि जो भी हुआ जैसा भी हुआ मेरा बच्चा है, आ गया आ जा। 25 फुट दूर पे लॉन्ग शॉट में देखा बापू, बापू ने उतारी चप्पल। बाप का लॉजिक होता है कि जो भी हुआ जैसे हुआ, जब वहां खतरा था तो गया क्यों। मुझे लगा वीडियो गेम में, इस मौत के वीडियो गेम में एक राउंड पार हो गया है, ये एक लेवल ऐड। इसी वक्त भगवान की देन वो लौंडा भागता हुआ लंगोटा पहन के मेरी तरफ आया, लगभग 15 फुट दूर से हाथ मिला के बोला क्या बात है दोस्त, तुमने कर दिखाया। एक बार पलटी मार के मैंने ओए, बकेट लिस्ट का मतलब आज ही बकेट में जाना नहीं होता, हो गया मेरा एक बार। तभी बापू और पास, अब मेरे दिमाग में लग रहा है कि इधर है प्यार उधर है मार, ये लौंडा है बचाओ। मैंने बोला मैं पागल नहीं हूं जो वहां से कूदता, तूने पापा की कसम दी थी इसलिए मैं कूदा। बापू का ध्यान मुझसे हटके अब इसकी तरफ,
वो पास में आए, मैंने अब इसके कंधे पे वैसे ही हाथ रखा जैसे इसने शुरू में रखा था, तुम्हें भी आजमाएंगे दोस्त। मैं कहा दोस्त अब हम तुम्हें आजमाते हैं, जरा पीछे देखना। इन्हें जैसे पीछे देखा बापू को, इसकी चीख निकली। इसको लगा यहाँ सर्टेन मौत है, इधर बच सकता हूँ। बिना देखे गंगा जी में ऐसे ही कूद गया। जैसे ही ये कूदा मैं पीछे चिल्लाया, साला फट्टू। उसके बाद वो चप्पल मुझ में ही पड़ी, क्योंकि बाप तुम्हारी हरामपंती की हद जानता है। फिर प्यार से समझा भी दिए कि अब मत करना।